एशिया कप में जब भारत हारा तो बड़ा गुस्सा था भारत में, भारतीय क्रिकेट प्रेमी परेशान थे कि किस तरह की टीम इंडिया लगातार प्रयोग कर रही है और उस प्रयोग की बनिस्पत ये हो रहा है कि भारतीय टीम एशिया कप में भी फाइनल में नहीं पहुंच पा रही है। तो ये सारा गुस्सा जब भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के मन में था, उस वक्त हमें कप्तान रोहित शर्मा रिलैक्स नज़र आ रहे थे। हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे वो आए और उन्होंने कहा कि ये प्रयोग तो चलते रहेंगे, जब तक टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए नहीं चुनी जाती तब तक ये प्रयोग चलते रहेंगे। ये सब थे रोहित शर्मा के। अब टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए चुनी जा चुकी है और भारतीय टीम नई सीरीज में सामने है। अब ये सवाल आ रहा है कि क्या टीम इंडिया प्रयोग करती रहेगी, क्या टीम इंडिया को वो कॉम्बिनेशन मिल गया है जिसकी तलाश कर रही थी, क्या मनचाहा प्लेइंग 11 इंडिया बना पा रही है। आज हम इसी मसले पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं विजय और सारी बातचीत आज हम करेंगे T20 वर्ल्ड कप से जोड़ करके भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज की। जब भारतीय टीम की बात होती है या किसी भी टीम की बात होती है तो बात होती है ओपनिंग स्लॉट, मिडिल ऑर्डर में कौन है, ऑलराउंडर्स कौन हैं, विकेट कीपर कौन हैं, स्पिनर और तेज़ गेंदबाज कौन होंगे। यही सारी बातचीत, यही सारे मिलकर के एक प्लेइंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ओपनिंग स्लॉट से। ओपनिंग स्लॉट भारतीय टीम का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जिसको लेकर के भारतीय टीम रिलैक्स है। सबको पता है कि कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ही ओपनिंग करेंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इवन चयनकर्ताओं के मन में भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो 15 सदस्यीय टीम चुनी है उसमें तीसरा स्पेशलिस्ट ओपनर चुना ही नहीं है। इस भूमिका के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो विराट कोहली भूमिका निभाएंगे। यानी तय है कि भारतीय टीम कम से कम ये एक ऐसा स्लॉट है जिसको लेकर के आगे बढ़ चुकी है और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब हम चलते हैं मिडिल ऑर्डर की तरफ। मिडिल ऑर्डर भी एक ऐसा स्लॉट है जिसमें भारतीय टीम का एक तरह से अगर मैं कहूँ तो 66% हिस्सा रिलैक्स मोड में है, लेकिन 33% हिस्सा जो है एक नंबर है, उस पे कन्फ्यूज़न है। हम बात कर रहे हैं जब मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर में 3, 4 और 5 ये नंबर आते हैं एक तरह से। तो तीसरे नंबर पे विराट कोहली तय हैं, चौथे नंबर पे सूर्य कुमार यादव आएंगे ये भी तय है, पाँचवा नंबर विकेट कीपर बल्लेबाज का, इस नंबर के लिए आ रहे हैं ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक। यही एक वो कड़ी है जो भारतीय टीम को सबसे ज़्यादा सिरदर्द देने वाली है। सिर्फ अभी नहीं, सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नहीं, सिर्फ भारत साउथ अफ्रीका सीरीज में नहीं जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बाद होनी है, बल्कि पूरे T20 वर्ल्ड कप में भी यह एक ऐसा हिस्सा बना रहेगा, यह एक ऐसी बहस बनी रहेगी, यह एक अंतहीन बहस मुझे लगती है जो T20 वर्ल्ड कप तक जाती है कि भारतीय विकेट कीपर कौन हो टीम में। दरअसल इन दोनों क्रिकेटरों के पक्ष में और उनकी नाकामियों या विपक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। हमारे पास गौतम गंभीर, वसीम जाफर जैसे दिग्गज क्रिकेटर हैं जो कहते हैं कि ऋषभ पंत ही च्वाइस है प्लेइंग 11 की, उन्हें ही प्लेइंग 11 में होना चाहिए। इवन बहुत सारे क्रिकेटरों ने, स्पेशलिस्ट ने ऋषभ पंत को ओपनिंग तक कराने की सलाह दे डाली ताकि उनकी जगह बनी रहे प्लेइंग 11 में। लेकिन दिनेश कार्तिक भी अपनी भूमिका तय कर चुके हैं, या दिनेश कार्तिक ने यह दिखा दिया है कि फिनिशर के तौर पर कितने फिट हैं। पिछले 4-6 महीने में हमने देखा है कि उन्हें जब जब मौका मिला है फिनिशर की भूमिका में उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से निभाई है। और जब हम ये कह रहे हैं कि ये बहस अंतहीन है तो वो इसलिए क्योंकि चयनकर्ताओं ने बॉल टीम मैनेजमेंट के पाले में डाल दी है, चयनकर्ताओं ने दोनों ही विकेट कीपर्स को चुन लिया है और अब ये टीम मैनेजमेंट पर है कि वो किसे एज ए विकेट कीपर चुनते हैं। जब हम दिनेश कार्तिक की बात करते हैं तो दिनेश कार्तिक ने दिखाया है कि वो फंसे हुए मैच को निकालना जानते हैं, जिताना जानते हैं, फंसी हुई कश्ती जो बीच मझधार में है उसे किनारे लाना जानते हैं। दूसरी ओर ऋषभ पंत जो बड़े मैच विनर हैं, देश विदेश में बहुत सारे मैच जिताए हैं, उनकी जो एक कमी है, जो हमको दिखी है कमजोरी, वो ये है कि वो फंसे हुए मैच में भी कई बार या बहुत अच्छी तरह से जो टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ रही होती है वहां एक उटपटांग शॉट खेल करके अपना विकेट गंवाते हैं। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि डीके टीम मैनेजमेंट का भरोसा जीत रहे हैं या जीतते दिखते हैं। मिडिल ऑर्डर के बाद बात करते हैं ऑलराउंडर की। ऑलराउंडर में मुझे लगता है कि इस बार हार्दिक पांड्या पर बोझ बढ़ने वाला है। हार्दिक पांड्या पर यह बोझ बढ़ रहा है रविंद्र जडेजा की चोट की वजह से। जडेजा चोट की वजह से टीम से बाहर हैं और उसका खामियाजा ये हुआ है कि टीम बैलेंस एक बार से फिर से बिगड़ गया है।
पांडे अब दोहरी भूमिका पहले से निभा रहे हैं, लेकिन बोझ इस तरह से बढ़ा है क्योंकि अगर अक्षर पटेल आते हैं जडेजा की जगह तो टीम इंडिया की बैटिंग कमजोर होगी, क्योंकि जडेजा की तरह अक्षर मैच विनर नहीं है, कम से कम बैट से। दूसरी ओर अगर अक्षर पटेल की जगह दीपक हुडा को ट्राई किया जाए और हम बैटिंग ऑलराउंडर लाएं तो हम देखेंगे कि हमारी बॉलिंग कमजोर हो जाएगी। तो यानी अक्षर पटेल आए टीम में या दीपक हुडा, टीम बैलेंस बनाने की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या पर बढ़ने वाली है, और हार्दिक पांड्या पर अगर वर्कलोड बढ़ाया गया तो यह भारत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि अगर मैं कहूं कि टीम इंडिया में प्लेइंग 11 में कोई एक खिलाड़ी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो है हार्दिक पांड्या। हम लौटते हैं गेंदबाजी की तरफ। गेंदबाजी में दो तरह के गेंदबाज हैं, स्पिनर और फास्ट बॉलर। और जाहिर सी बात है कि टीम इंडिया में, मैं आपको बता दूं कि दो स्पिनर हैं हमारे पास, युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन। तेज गेंदबाजों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टीम चुनी गई है उसमें जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर, हर्षल पटेल, दीपक चाहर और उमेश यादव। उमेश यादव रिप्लेसमेंट हैं मोहम्मद शमी का। जब हम फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो इस फास्ट बॉलिंग में हम देखेंगे कि तीन से चार खिलाड़ी टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। एशिया कप में सिर्फ एक खिलाड़ी था भुवनेश्वर जो खेल रहा था, प्लेइंग 11 में भी था। और जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल, दीपक चाहर, उमेश यादव, ये वो चारों प्लेयर हैं जो पिछली सीरीज में नहीं थे। उमेश यादव तो बरसों बाद टीम में लौटे हैं, टीम इंडिया में T20 टीम में लौटे हैं। जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल, ये दोनों गेंदबाज ऐसे हैं जो नई गेंद से ज़्यादा पुरानी गेंद से या डेथ ओवर्स में इफेक्टिव हैं। इसलिए आपको एक ऐसे गेंदबाज के साथ जाना पड़ेगा जो नई गेंद से ज़्यादा इफेक्टिव हो। उसमें मुझे लगता है दीपक चाहर और भुवनेश्वर, इन दोनों पर भूमिका रहेगी। इन दोनों में से कोई एक खेलेगा और इन पर यह जिम्मेदारी रहेगी कि शुरुआती ओवर्स में विकेट दिलाएं, जबकि आखिरी ओवर्स में विकेट दिलाने की और अच्छी कसी गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाएगी हर्षल पटेल पर और बुमराह पर। जहाँ तक स्पिनर की बात है तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया भले ही आजमा ले दो स्पिनर अश्विन और चहल को, लेकिन प्लेइंग 11 जब बनेगी वर्ल्ड कप की तब इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा। और अगर टीम इंडिया, टीम मैनेजमेंट यह सोचकर चल रही है कि हम वर्ल्ड कप में किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे तो हम ये देखेंगे कि, और अंत में वही जहां मैं बात खत्म करना चाहूँगा कि टीम इंडिया का सबसे बड़ा सिरदर्द विकेट कीपर का चुनाव है। ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक, एक भरोसेमंद बल्लेबाज जिसने भरोसा जीता है पिछले 4-5 महीने में, वो है डीके। एक है मैच विनर जो 2-3 साल से भारत को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में मैच जिताते रहे हैं, भारत में मैच जिताते रहे हैं ऋषभ पंत। लेकिन उनकी कमजोरी है कि विकेट फेंकना जानते हैं और उस विकेट गंवाने की वजह से उन्होंने भरोसा खोया है। तो भारतीय टीम प्लेइंग 11 में जैसा भी चुनाव करे, जिन खिलाड़ियों का भी चुनाव करे, लेकिन ऋषभ पंत वर्सेस दिनेश कार्तिक की ये बहस वर्ल्ड कप तक चलने वाली है।